हेलो गाइस, हम एक नए ब्लॉग में आते हैं और आज हमें कल सुबह ही पीक पर जाएंगे और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। हेलो गाइस, फाइनली हम बारी विलेज आ चुके हैं और ये हम कल सुबह ट्रैक स्टार्ट करेंगे और ये पीछे गांव है, आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे और हमें यहाँ आने का रास्ता है, दो रास्ते हैं, आप आ सकते हैं दो रास्तों से, एक इगतपुरी से और एक कसारा से, दोनों रेलवे स्टेशन से। यहाँ से आप आ सकते हैं कैब, शेयरिंग कैब करके, वहाँ की रेटिंग रेट आप पता कर लेना अपने हिसाब से। और आज हम दो लोग आए हैं तो एक पर पर्सन 150 था। उस वाले रास्ते से हम रोड से वहाँ टैक्सी ने ड्रॉप किया और इस रास्ते से होते हुए हम इस वाले रास्ते से जाएंगे गाँव की तरफ। और हम फाइनली हमने गांव को पार कर लिया है। गांव से हम इस रास्ते से पीछे से आते जाएंगे। ये गांव काफ़ी बड़ा है और ये हमने गांव निकल के ट्रैक अपना स्टार्ट कर दिया है। टाइम हो रहा है 3:54, देखते हैं कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। 2 घंटे का टाइम पीरियड बता रहे हैं, ठीक है, देखते हैं ट्रैक कल सुबह पीक पर जाने में क्या मज़ा आता है। ऊपर का व्यू काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया है, देखो मेरे दोस्त पे का वेट लेके जा रहा है, देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे पूरी जर्नी को, ठीक। गांव से हम कुछ ही दूर चढ़ने के बाद हमें ये काफ़ी अच्छा जगह मिलती है, यहाँ हम नाइट में कैंपिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। चलो हम चलते हैं और दिखाते हैं कुछ नज़ारे। थोड़ा हम चलने के बाद, ये कलसुबाई माता का मंदिर है, यहाँ जो लोग ऊपर नहीं जा सकते यहाँ दर्शन कर सकते हैं। हम ऊपर ट्रैक करने जा रहे हैं पूरा, ठीक है, गाँव से थोड़ा ही चलने के बाद है, कुछ ही ऊंचाई पे ये माता का मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये हमारा एंट्रेंस मार्क है, ये पहला गेट है, इस गेट से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। पीछे ये गेट है, ये आपको मिलेगा आते समय, तो ये सही रास्ता है, हम यहाँ से जाएंगे सीधे ऊपर। यहाँ से काफ़ी हाइट है और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं ट्रैक करने समय, काफ़ी बॉडी डिहाइड्रेट, गर्मी लग रही है। चलो हम चलते हैं जल्दी जल्दी, आपको जर्नी दिखाते हैं। हम ट्रैकिंग करते करते आधा रास्ते तक आ गए, वो नीचे गांव है, वहाँ से ट्रैकिंग की थी और हमें ऊपर वहाँ तक जाना है। काफ़ी लंबा ट्रैक है, मज़ा आने वाला है, देखिए जर्नी को, शानदार मज़ा, क्या हवा चल रही है, फ्रेश एयर, वाह। और सामने का नज़ारा दिखाएं, ये देखो नज़ारा, ओह इट्स माइंड ब्लोइंग फीलिंग्स, सीरियसली अमेजिंग। फाइनली हम उस कुआं तक आ चुके जो लैंडमार्क है, आप देख सकते हैं, यहाँ पानी पी सकते हैं अपन, काफ़ी अच्छा पानी है। इतनी ऊँचे पहाड़, पहले ऊपर जाते हैं, सनसेट देख के आते हैं, उसके बाद हम कैंपिंग करेंगे, तब सोर्स ऑफ वाटर देख। ये हम लोगों ने यहाँ से पानी भरा है, बेस्ट व्यू, आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, ओके, गुड नाइट, बाहर बहुत तूफान चल रहा है, गुड नाइट, बाय। गुड मॉर्निंग, ओ देखो सनराइज हो रहा है।
बादलों के बीच में से सर्दी लग रही है ना, लग रही है। देखो यार कितने शानदार शानदार बादल है यार, मजा आ रहा है। सर्दी लग रही है और मजा आ रहा है। आप देख सकते हैं शाम को हमने यहीं से सनसेट देखा था, सुबह अब सनराइज हो रहा है। इसी तरफ देखो सनराइज आपको दिख रहा है, सनराइज पीछे की तरफ। सेट देखा था, अभी हम सनराइज देख रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे। देखो सनराइज व्यू, मजा आ गया इसी व्यू देख के, जबरदस्त व्यू है, कितना शानदार व्यू। फाइनली हमने ट्रैक कंप्लीट कर लिया है नीचे तक आके, हम सारे लोगों ने, ठीक है। वहाँ से आए थे बहुत ऊंचाई,